हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती बहुत ही अच्छे होंगे। मैं नेहा और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो प्लीज़, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। पता है 99% लोग ऐसे हैं जो मेरा बिना मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं और चले जाते हैं। तो एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और एक कमेंट से मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आपका मुझे बहुत सपोर्ट करता है। आज मैंने अपना ब्लॉग एकदम सुबह से ही स्टार्ट कर दी है। बड़ा मुश्किल से फेस टू फेस बातें करने का मौका मिलता है यार, बहुत ही ज़्यादा में फेस टू फेस मिलते हैं आप लोगों से तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन ऐसे वाले जो मोमेंट होते हैं ना, बहुत ही कम होते हैं। तो पता है, सुबह में ही मैं उठी थी, 5 बजे उठी थी, और मतलब 5 साढ़े 5 बजे उठ गई थी, और जितना भी घर का काम था, क्लीनिंग वगैरह, वो सब हो गया है कंप्लीट। नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी, पूजा पाठ भी हो गया है मेरा। तो आज अभी बहुत सारा काम है जो सुबह का काम करके मैं नहा धोवा ली हूँ, लेकिन अभी काम तो बाकी है, तो चलिए उस काम को करते हैं। और फिर यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, तो किचन में हम बना रहे थे चाय। तो मिडिल क्लास फैमिली से क्या होती है ना, शुरुआत दिन की चाय से ही होती है। लेकिन हम एक बार नहाने से पहले चाय बना दिए थे, फिर दोबारा यहाँ पे फरमाइश पति देव की कि मुझे चाय चाहिए, तो फिर मैं यहाँ पे नहा धो के फिर से दोबारा आई थी किचन में चाय बनाने के लिए। और चलो फिर से मैं दे आती हूँ हस्बैंड जी और सासू माँ को चाय, फिर उसके बाद काम होगा और बाकी। लेकिन आज हम सास और बहू दोनों मिलकर किस काम में लगे हुए हैं, आप भी देखना। और यार, दिन पर दिन कितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है, समझ ही नहीं आ रहा है कि इसी तरह महंगाई बढ़ती रही तो गरीब लोगों को क्या होगा, पता नहीं। और यहाँ पे हम आ गए थे किचन में, तो आप ये देख सकते हैं, ये ना दाल है, तो इसमें मटर की दाल है, मसूर की दाल है, चना और कलाई, बस यही 5-6 इसमें मिक्स दाल है। सब रात को ही भिगो दिए थे, और अभी जितना दाल देख रहे हैं ना, सारे दाल को हम पीसेंगे, कम से कम 2-2.5-3 किलो होगा करीब करीब, तो ये सारे दाल हम पीसेंगे और इसकी बनेगी बड़ी। तो साल भर की तैयारी, हम हमारे हर बिहार हो या चाहे झारखंड, मैं देखी हूँ अक्सर मिडिल क्लास फैमिली भी होती है या हाई क्लास फैमिली भी होती है ना, तो ये मतलब ज़रूर करते हैं। तो एक साल की तैयारी एक दिन ही करके रख लेते, जैसे भी बरसात का मौसम आएगा ना, सावन वगैरह, तो क्या होती है उसमें पानी वगैरह बहुत ही होते रहता है, बारिश, तो किसी के यहाँ क्या है ना कि कोई सब्जी नहीं ला पाता या कुछ नहीं ला पाता है। तो ये घर पे अगर बना के रख लेते हैं ना, स्टोर करके, तो ये सालों साल तक चलने वाली बड़ी, इसके सब बड़ी कहा जाता है इसे, तो दाल से ये बनती है। और ये ना जब सब्जी इसकी बनती है ना, तो इतनी टेस्टी लगती है कि कहने की बात नहीं। तो हमारे घर में ना ये दाल वाला जो बड़ी है ना, सबको बहुत ही पसंद आती है। तो बस यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम आ गए हैं और मिक्सी में सारे को हम पीस रहे हैं, और ज़्यादा एकदम वो फाइनी ने जैसे कड़ी वगैरह के लिए बनाते हैं ना, पीसते हैं ना, तो वैसे हम नहीं पीसे, एकदम दरदरा सा पीसे हैं। और यहाँ पे हम और मेरी सासू माँ देख सकते हैं, इसे छोटे छोटे दाल का पेस्ट है ना, छोटे छोटे आकार करके धूप में फैला देंगे ना, तो ये बहुत ही जल्दी सूख जाएगी, क्योंकि अभी बहुत ही धूप का मौसम है ना, तो बहुत ये पूरा दिन भर में अच्छे से सूख जाएगी। तो ये हम लोग एक साल तक रख सकते हैं। तो आज सुबह से मैं यही सब चीज़ में लगी पड़ी हूँ, तो सुबह का मॉर्निंग का काम ख़त्म करने के बाद ही नहा के पूजा पाठ करके फिर इसी में हम लगे पड़े थे। तो बस, और फिर उसके बाद हमको अभी नीचे भी जाना है, नीचे में नाश्ता भी बनाना था। और सच में यार, आज पता है कोई सब्जी ही नहीं थी घर पे, तो हम दिमाग में आ ही नहीं रहा कि क्या बनाए नहीं बनाए, और मेरे हस्बैंड जी भी कोई काम से बाहर गए हुए थे, तो अब तो कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तो सत्तू था, तो हम सोचे क्यों ना सत्तू वाली पूड़ी ही बना दिया जाए। तो हम यहाँ पे ना प्याज और थोड़ा सा मिर्ची काट लिए हैं, और देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिए हैं, और वो जो मंगरेला, जमैन, यही सब मिला करके, और ना इसको हम सूखा ही, ज़्यादा गीला नहीं किए, सूखा ही, दरदरा टाइप में जो रहते हैं ना, बस उसी तरह हल्का हल्का पानी दे के मिला लिए थे, मिक्स कर लिए थे। और फिर यहाँ पे सारे परोठे, मतलब पराठे बना लेंगे, सत्तू की पूड़ी बोलो चाहे रोटी बोलो जो, तो बस वही अभी हम सोचे नाश्ता में बना देते हैं, और फिर इसे जिसके साथ खाना खाने का होगा, चाय के साथ, अचार के साथ या चटनी के साथ, तो जिसका अपना पसंद होगा वो उस चीज़ में खाएगा, तो हम सोचे यही बना दे। और सच में यार, आज के ज़माने में महंगाई कितनी तेज़ होती जा रही है, एक छोटी नींबू जो 1 रुपये की आती थी, 2 रुपये की आती थी आज से 2-3 महीने पहले, और वो नींबू अभी 10-15 रुपए की पीस आ रही है, बताओ इतनी महंगाई, गरीब लोगों का क्या हाल होगा।
और जिसका परिवार बड़ा होगा तो पता नहीं उसका कितना मुश्किल से घर चलता होगा। बहुत ही ज़्यादा अभी के महंगाई के टाइम में घर चलाना बहुत यार मुश्किल हो गया है, सच में बता रही हूँ। हमारा तो छोटा परिवार है, फिर भी हम लोगों को अखड़ आ जाता है, और जिसका बड़ा फैमिली होगा हम लोगों से दुगना बड़ा फैमिली से होता है ना, तो पता नहीं वो लोग को क्या मतलब फेस करना पड़ता होगा, हर चीज़ को सोच के करना पड़ता होगा। और सच में बहुत ही तेज़ी से महंगाई बढ़ती ही जा रही है दिन पर दिन, और युद्ध के वजह से जो युद्ध हो अभी चल रही है उसके वजह से और ज़्यादा महंगाई हर चीज़, क्योंकि बाहर से कुछ आ ही नहीं पा रही है और बहुत ही महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन युद्ध वगैरह नहीं होना चाहिए था डियर, ये सब अपने में ही सब मर कट रहे हैं। और फिर यहाँ पे ना हम सोचे कि बाबू का भी थोड़ा सा बाल बना देते हैं, बाल बना देंगे ना तो फिर बाबू इधर, और यहाँ पे देखिए बाबू का दो चोटी बना दिए हैं, तो बाबू पे पता है दो चोटी ही अच्छा लगता है। और इसके बाद ना पता है छत पे ना इतने सारे हम ना जो आप सुबह में बड़ी छत पे दिए थे पाड़े हुए थे ना बड़ी, तो छत पे इतने ज़्यादा बंदर आ गया था ना, तो हमको लग रहा था पता नहीं ये सारे बंदर बड़ी को मतलब तहस नहस ना कर दे, बर्बाद ना कर दे। और पता है जब कुछ करो ना तो ज़रूर बंदर आ जाते, बहुत ये गुस्सा वाला बात है ना। तो अभी वो छत पे बड़ी दिए थे और यहाँ पे कितना सारा बंदर आ गया, खाएंगे पियेंगे नहीं लेकिन बर्बाद ज़रूर कर देंगे, इसीलिए हम छत पे आ गए थे और यहाँ पे ना सारे बंदर को भगा रहे थे। लेकिन सच में कितने प्यारे लग रहे हैं ना ये, आप बंदर देख सकते हैं ना, तो छोटे छोटे दो बाबू थे गोद में, कितना अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद ना सारे बंदर भगा कर मैं नीचे आ गई थी, हम सोचे थोड़ा सा रूम का जो है ना बेडशीट भी सही कर देते फिर उसके बाद हम अन्य कामों में लगेंगे। लेकिन सच में डियर आप लोग बताना आप लोगों के इधर क्या महंगाई सच में बहुत ही तेज है क्या नहीं है। 500 रुपए की सब्जी भी खरीदने जाओ ना तो पता है झोला नहीं भरता है और पैसे ख़त्म हो जाते हैं, इतनी महंगाई आ चुकी है सब्जी में ही बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे ना बेड वगैरह बिछाने के बाद आ गई थी मैं रूम मतलब किचन में आ गई थी, तो किचन में ना अभी हम बनाएंगे दोपहर का खाना। तो सुबह में जो हम बड़ी पा रहे थे ना जिस दाल से, तो वो दाल हम थोड़ा सा बचा कर रख लिए थे क्योंकि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि सब्जी आज घर पर आया ही नहीं है जिसके वजह से, तो हम सोचे कि आज हम कढ़ी चावल ही बना लेंगे। तो यहाँ पे हम दाल फूलने के लिए मतलब जो दाल फूला हुआ था ना वही दाल थोड़ा सा हम रख लिए, तो अभी हम पेस्ट बना लिए हैं। तो हम सोचे दही भी था तो हम सोचे कढ़ी ही बना लेंगे, तो कढ़ी चावल आज हम सोचे दोपहर का खाना में बना देते हैं। और यार मोदी जी ने कहा था क्या कि हम भारत से गरीबी को हटाएंगे, यहाँ तो गरीब ही मिटता जा रहा है। देखो बहुत ही अभी के टाइम में मुश्किल हो गया यार, हर चीज़ बहुत ही महंगाई है, तेल भी तेल से लेके चावल आटा हर चीज़ मतलब बहुत ही महंगी आ रही है, तो गरीब लोग जो हैं उसको बहुत ही दिक्कत हो रहा है। खैर हम लोग तो जैसे तैसे घर तो चल ही जाता है, फिर भी बहुत ही दिक्कत है अभी के टाइम में घर को चलाना, बहुत ही दिक्कत होते जा रहा है। आप लोग ही बताओ क्या सरकार को इस चीज़ में बातें करनी चाहिए क्या नहीं, कि थोड़ा सा महंगाई कम होनी चाहिए। बहुत हर चीज़ पता है सब्जी वगैरह मार्केट में अभी कितने महंगे बिक रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हर चीज़, आप लोग तो भाव वगैरह जानते ही होंगे। तो बस अभी तो समझ लो अभी का टाइम में इतना ज़्यादा महंगी सब्जी भी, सब्जी में तो सब्जी मंडी में तो आग लगी पड़ी है, इतनी महंगी हर चीज़ हो ही जा रही है। आखिर इंसान कर भी क्या सकता है, जितनी महंगी मिल रही है जैसे तैसे तो खाना है तो लेना ही पड़ता है, और जैसे तैसे कट ही रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ आप देख सकते हैं आज मैं क्या बनाई हूँ कढ़ी, तो यहाँ पे मेरा कढ़ी हो ही चुका था और खाना वगैरह मतलब दोपहर का भी जैसे तैसे बना ली थी, चावल भी हो गया था, तो चावल का पानी जो माड़ होता है वो भी हम निकाल दिए हैं, इधर कढ़ी भी मेरा हो गया था, आज का मेरा यही खाना था। और बस फिर सबको खिला पिला देंगे, और देख सकते हैं किचन थोड़ा देर के बाद हम आए हैं, खाना पीना सबको खिलाने के बाद यहाँ देखिए किचन सूखा पड़ा, एकदम सूख जाती है कुछ भी अगर मतलब सब्जी वगैरह अगर हल्का फल्का भी गिरता है ना तो एकदम सूख जाती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो हम सोचे इसमें थोड़ा सा सर्फ डाल के पूरा इसको स्लेप जितना भी है ना किचन का स्लेप हम साफ़ कर लेते हैं, तो ये फिर साफ़ हो जाएगी ना तो देखने में भी ठीक लगेगी और थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा, इसलिए मैं सोची साथ ही साफ़ कर लेती हूँ। खाना पीना तो हो गया था, तो खाना इस तो मैं कढ़ी चावल ही बनाई आप लोग देखे ही,
और बस खाना पीना सबको दे दी थी। और बस अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, यहाँ देख सकते हैं खाना पीना खाने के बाद इतना सारा बर्तन है। अभी सारे बर्तन को भी हमको धोना है, और बर्तन तो सारे धो लिए थे, फिर यहाँ पे हम सारे बर्तन को हम एडजस्ट कर देंगे, जो बर्तन जहाँ है वो वहाँ रख देते हैं। और फिर उसके बाद और भी काम है डियर, काम तो ख़त्म होने वाला नहीं है, डेली का बस वही सारा काम है। और पता है अभी शाम का टाइम हो रहा था, तो हम छत पे आए थे कपड़ा लेने के लिए ना, और जो हम सुबह में बड़ी छत पे दिए थे बड़ी, तो सूख गई थी, बस वो भी लेने के लिए आ गए थे। और कपड़ा वगैरह भी हम लेके अभी नीचे जाएंगे। और आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट डे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय माय ऑल यूट्यूब फैमिली। खुश रहिए, बहुत ही अपने फैमिली को भी खुश रखने की कोशिश करिए। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।